नमस्कार साथियों, पूरा दिन बीत गया। सुबह से रात तक मोदी सरकार की अत्याचारी कार्यवाही देश की राजधानी दिल्ली में जारी है। क्या इस देश में शांतिप्रिय तरीके से विरोध करना अपराध है? जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से निशाना लगाकर हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल पर जानलेवा हमला बोला गया, हमारी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से महिलाओं, पुरुषों, कांग्रेसजनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली की सड़कों पर मारा गया, ये अपने आप में एक अत्याचारी बात है। कभी ये देश मोदी सरकार को इसके लिए माफ नहीं करेगा। और क्या कर रहे थे कांग्रेसजन, क्या चाहते थे राहुल गांधी जी? केवल पैदल जाकर सत्याग्रह आंदोलन में अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। मोदी जी, आपकी पुलिस की लाठियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छाती कम पड़ने वाली नहीं। सबको जेल भेज दीजिए, सबको काला पानी भेज दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए। और दिल्ली पुलिस की मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई का आलम देखिए। देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारे गए, उनका चश्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर जमीन पर फेंक दिया गया। क्या मोदी सरकार को यह मालूम नहीं कि देश के गृह मंत्री से कैसा व्यवहार होगा? हमारे सांसद श्री प्रमोद तिवाड़ी को सड़क पर फेंक कर मारा गया, उनका सर जमीन पर लगा और उनकी पसली में फ्रैक्चर हो गया। चिदंबरम जी, प्रमोद तिवाड़ी जी को हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं उनकी पसलियों में। क्या शांतिप्रिय तरीके से श्री राहुल गांधी जी के साथ चलकर जाना पाप हो गया है? क्या अत्याचार की यह हद है कि हजारों कार्यकर्ता अलग अलग दिल्ली के थानों के अंदर बंद हैं, किसी को कहीं ले जाया गया, किसी को कहीं ले जाया गया? मोदी जी कितना अत्याचार करेंगे? पर आप ये जान लें, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं, ये झुकने वाले नहीं, ये दबने वाले नहीं। हम चलते रहेंगे प्रजातंत्र की राह पर निरंतर। आप मारिए सबको, आप पीटिए सबको, आप बर्बरता दिखाइए। अंग्रेजी सरकार की एक बार फिर याद आ गई, पर याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ी और अब आपसे भी लड़ेंगे, जब तक प्रजातंत्र ना जीत पाए। जय हिंद।